आज समाज में बढ़ते हुए अपराध इन अखबारों से व्यक्त हो रहे हैं। लूट, हत्या, बलात्कार और चोरी जैसी घटनाओं से समाज में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। अपराधियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजे जाने से समाज सुरक्षित महसूस करता है। 302 में 302 302 में 302 302 की आजीवन कारावास सजा। सर मुझे 13 साल हो गए। 8 साल हो गए सर। 7 साल से लगभग 6 वर्ष 5 साल हो गए सर। मेरे को 4 साल हो गए। उगता हुआ सूरज उम्मीद की नई किरणें फैला रहा है, जो बता रहा है हर दिन एक नई ऊर्जा, नया उत्साह लेकर आता है। जीवन की नई दिशा का निर्धारण भी कर सकता है कोई एक नया दिन। इन विशाल चार दीवारी के सामने भी किसी भी आम सुबह की तरह ही दिन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इन दीवारों के पीछे बसी है एक अलग ही दुनिया, जिसके अपने नियम कानून हैं, तो अपनी कुछ सरहदें। आमतौर पर इस चार दीवारी के दामन में कोई भी एक पल भी ठहरना नहीं चाहता, लेकिन होनी अनहोनी की लेखनी से किस्मत की लकीरों में लिख दी गई लोहे से भी मजबूत इस चार दीवारी के साथ किसी किसी का नसीब जुड़ जाता है। इन फौलादी चार दीवारी की हर ईंट में एक कहानी दफन है, ऐसी कहानी जो अशकों की स्याही से जिंदगी के पन्नों पर लिखी गई। इसकी हर ईंट के साथ दफन है एक फलसफा, जो जिंदगी के हर रंग को बड़े ही साफ गोई से समझाता है, जो ये समझाता है जिंदगी कर्म करने का नाम है। वो कर्म ही किसी का भी भविष्य तय करते हैं। इस चार दीवारी के भीतर भी सुबह की शुरुआत हो रही है जेल अधीक्षक के निरीक्षण सलामी के साथ। श्रीमान जी, आज की परेड में 3 अधिकारी, 30 प्रहरी, मुख्य प्रहरी आपके निरीक्षण के लिए हाजिर हैं। जेल स्टाफ की परेड के बाद अधीक्षक कार्यालय में शुरू होती है नए कैदियों की हाजिरी। भैया आलम, भैया आलम। क्या नाम? भैया आलम। पिता का नाम? यासीन। सबसे पहले जब कैदी आता है तो उसकी जेल गेट से लेके अष्टकोण, बैरिक, सब जगह उसकी आमद होती है। इसके साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण होगा, उसके कार्य करने की जानकारी ली जाएगी और साइकोलॉजिकल हम ये देखेंगे कि क्या वो किसी तरह के कार्य करने में इंटरेस्टेड है, नहीं है तो फिर हमारे कल्याण अधिकारी उसको मोटिवेट करते हैं। इस मेन गेट पर जेल वाहन से उतरते ही सबसे पहले इनकी शारीरिक जांच कर रिकॉर्ड में दर्ज की गई, ताकि जेल में बंद कैदी की वास्तविक स्थिति जेल प्रबंधन को ज्ञात रहे। इसके बाद ही इस लाल दरवाजे के अंदर प्रवेश दिया गया। यही वो दरवाजा है जहां से जेल के अंदर की दुनिया की शुरुआत होती है और यहीं पर खत्म भी होती है। माना जा सकता है
उड़ते परिंदों के पर इस चौखट पर आकर कहीं गुम से हो जाते हैं। मजदूरी करते थे पिताजी का नाम चंका। हमारे गांव का नाम पता आज के केस में आ गए आप 306। इस केस में आप अकेली फंसी हो? अच्छा वो छूट गए, आप बाद में आई हो है ना। कहाँ के रहने वाले हो आप? ग्वालियर। कौन सी जगह की? फलका। यह जेल मध्य प्रदेश शासन द्वारा केंद्र शासन के निर्देशन पर जम्मू कश्मीर के कुछ आतंकवादी लोगों को न रखना था, उसके लिए खोली गई थी। इस जेल में कैदियों को रखने की क्षमता इसकी 327 बंदियों की है। वर्तमान में इस जेल में बंदी 837 हैं। जो बैरकों में प्रत्येक बैरिक के अंदर 20-20 बर्थ बने हुए हैं। एक बर्थ के बाद में कुछ एक जगह खैया टाइप की, कुछ गली टाइप की बनी रहती है, उसमें दूसरे बंदी को रखा जाता है और कुछ सेंटर में पड़ते हैं। जेल अधीक्षक कैदियों से दो चार बात कर मनोवैज्ञानिक रूप से उनके दिल की गहराई नापने का प्रयास करते हैं। जेल में कुछ पैसे जमा है? नहीं सर। आपका केस लड़ने का वकील है? जी। सरकारी वकील तो नहीं चाहिए? ठीक है जी। जेल अधीक्षक पहुंचते हैं वहां जहां बड़ी ही बेसब्री से इंतजार होता है। साथ में होते हैं जेल में पदस्थ जेलर और जन कल्याण अधिकारी। आम वेशभूषा में बैठे सभी कैदी विचाराधीन हैं, यानी इनके भाग्य का फैसला अभी न्याय के मंदिर में विचाराधीन है। इन सभी के हाथों में जेल प्रबंधन की तरफ से मिला सामान और साथ में है इनकी वो पर्ची जिसे टिकट कहा जाता है, जिसमें लिखा होता है इनके परिचय के साथ साथ इनके जेल पहुंचने का कारण भी। जेल अधीक्षक एक एक करके सभी कैदियों से मिलते हैं और उनके हालचाल जानते हैं, जरूरत के मुताबिक इनकी मदद भी करते हैं। पुलिस को लिख के हमें यहां से आपका आवेदन भिजवा दें। अक्षम कैदियों के लिए विधिक सहायता भी मुहैया करवाने में पूरी मदद की जाती है। सरकारी वकील वो आपका केस लड़ेगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। तो मेरे बच्चे साहब बहुत परेशान हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपका एक लेटर। जिनको सजा हो जाती है उनको दंडित कैदी, हवालाती कैदी जिनके केस माननीय न्यायालय में चल रहे होते हैं, साधारण कैदी जिनके लिए कि सिविल केस के अंतर्गत सजा दी जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध कैदी इनको अलग रखा जाता है, महिला कैदी, किशोर बंदी और बुजुर्ग बंदी इनको रखने की हमारे यहाँ अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिससे कि वो एक दूसरे से वो संपर्क में ना आए और साथ ही उनकी हम उचित व्यवस्था कर सके। इस बड़े से मैदान में लाइन से बैठे ये सफेद वर्दीधारी कैदी जो सजा याफ्ता कैदी हैं, महीने में चार बार कैदियों से चर्चा होती रहती है। विडंबना ही है, इनमें ना जाने कितने ही ऐसे मासूम कैदी हैं जिन्हें कानून की ठीक ठीक जानकारी नहीं होने से जेल के अंदर न सिर्फ लंबा समय ही बिताना पड़ा बल्कि समय अवधि निकल जाने से आगे बचाव का रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे कैदियों के लिए भी जेल प्रबंधन कोई ना कोई उपाय ढूंढने का प्रयास करता है। उम्र मेरी 40 लिखी साहब। इसमें देखो दादा ऐसा है, ये जो उम्र लिखी है 40 साल, ये जो वारंट में लिखू रहती ना वो उम्र लिखी जाती है। हमने बताई जा समय उस समय बताने थे ना पुलिस वालों को। कौन से जिले के हो? पन्ना जिले के हैं सर। देखो भाई इसको फिर से रिमाइंडर कर दो पन्ना का। ठंडी में अभी अभी दिलवाते हैं। उतारी में लिए सर? नहीं तो हमने कहा पुराने लेकिन नए दे दो जी। अब दिए आपने? फटे बीच में सर। ये रह गया होगा, मिला नहीं होगा, दिलवा देंगे तुम्हें। चलो अभी दिलवाते हैं ना। अब हो गए, चलो ठीक हो जाओगे। और कोई तकलीफ तो नहीं? और चलो बढ़िया।
आपको मालूम भोपाल चला गया? नहीं अच्छा। संरक्षक तो आपको बताना पड़ेगा, आपका पति भाई दस्तखत कर दिया, उसका एड्रेस दे दो तो हम उसके एड्रेस पे भेज देंगे आवेदन। सबसे पहले उसको हम अधिकार बताते हैं कि आपको यहाँ कोई डांटेगा नहीं, आपके अधिकार है यहाँ कपड़े मिलने का, खाने का, पीने का, और इनकी निर्धारित डाइट ये है, उनको पूरी तरह बकायदे ग्रामों में बताई जाती कि इतने ग्राम आपको प्रतिदिन चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, दो टाइम भोजन मिलेगा, अगर आप बीमार होते हैं तो अस्पताल है, दवा मिलेगी, और इसके बाद अगर 2 वर्ष सजा काट लेता है तो 2 वर्ष बाद आपको घर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपका परिवार न टूटे, और सुरक्षित अगर आप लौट आते हैं तो फिर पुनः 3 महीने बाद दूसरी छुट्टी मिलेगी, जिससे आप अपने घर में जो भी गड़बड़ियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं, पुनर्वासित कर सकते हैं। फिर इसके बाद 5 वर्ष बाद उनको प्रोवेशन, समय के पहले छोड़ने का अधिकार है, आप प्रोवेशन में छूट सकते हैं। फिर ऐसे करके 14 साल तक जो भी प्रतिक्रियाएं हैं मेडिकल ग्राउंड वाली और अन्य प्रकरण है उनमें उनको बताया जाता है। विंध्याचल पर्वत की गोद में रीवा संभाग में बसा सतना जिला, पड़ोस में एक तरफ मां शारदा की नगरी मैहर तो दूसरी ओर त्रेता युग में राम लक्ष्मण और सीता के वनवास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली धार्मिक नगरी चित्रकूट धाम। बघेल खंड के नाम से पहचाना जाने वाला संस्कृति और इतिहास की धरोहर को बड़े ही करीने से समेट कर चल रहा है सतना। यहीं पर मौजूद है सतना सेंट्रल जेल। सतना जिले के आसपास की सभी उपजेलें सतना केंद्रीय जेल के ही अधीन हैं। ये सुव्यवस्था का ही कमाल है कि जेल प्रबंधन कैदियों की मानसिकता में बदलाव लाने में उम्मीद की हद तक सफल हो रहा है। किसी दार्शनिक ने जेलों को भी एक आश्रम ही माना है, जहां किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति से कहीं ऊपर उठकर सभी समान भाव से जीवन यापन करते हैं, जिसकी शुरुआत सुबह की पहली किरण के साथ ही हो जाती है। हर सुबह का स्वागत होता है ईश वंदना और प्रभात फेरी के साथ। इसके बाद बारी आती है स्नान ध्यान की। कोई मंदिर में नमन करता है तो कोई मस्जिद में अदब से सजदा करता है। इसके बाद शुरू होती है दिनचर्या। सभी कैदियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम सौंपा गया है। गौशाला की देखभाल से लेकर सारी जिम्मेदारी एक एक कैदी ने बखूबी संभाल रखी है। जेल की रसोई की ओर आगे बढ़ने पर देखते ही ये भी हम सब एक की भावना को साकार सी करती मालूम होती है, जहां सभी कैदी बड़ी ही तल्लीनता से भोजन तैयार कर रहे हैं। कुछ
कोई सब्जी बनाने की तैयारी कर रहा है तो कोई बना रहा है दाल। इस बड़े से पतीले में बनाए जा रहे हैं चावल। एक साथ कई रोटियां जब सेकी जाती हैं, तो मानो इन फूलती रोटियों में जीवन की उमंग भी उफान मारती है और कैदियों को दिलासा सी देती कहती है कि जीवन में खुशियां अभी एक मौका और देने के लिए तैयार हैं। जरूरत है तो बस जरा से जतन की, जरा से बदलाव की। दर्जन भर से ज्यादा गैस सिलेंडर कैदियों के लिए भोजन बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बाद सुव्यवस्थित तरीके से भोजन वितरण, जो जेल मेन्यू में दर्शाई गई खुराक के मुताबिक तय मात्रा में होता है, जिसमें कैदियों की सेहत दुरुस्ती का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही त्योहारों में विशेष पारंपरिक व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं। इन तमाम व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जेल अधीक्षक समय समय पर निरीक्षण भी करते रहते हैं। जेल के साथ यूं तो इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इस काल कोठरी से तो खुद भगवान का भी नाता जुड़ा है, तो वहीं हमारे देश की आजादी की गाथा का हर पन्ना इन्हीं सलाखों के पीछे बैठकर ही लिखा गया है। कहने को तो गुनाह की सजा के तौर पर इन कारागृहों की सलाखों के पीछे लोगों को डाला जाता है, लेकिन वास्तव में जीवन दर्शन का सजीव साक्षात्कार देखा जा सकता है यहाँ। इसलिए इसे कारागृह कम और सुधार गृह की संज्ञा ज्यादा दी गई है। कालांतर में यातना गृह के नाम से पहचाने जाने वाले कारागृहों को समय के साथ परिवर्तित सोच के साथ देखा जाने लगा और इसे बंदी सुधार गृह के रूप में पहचान दिए जाने के प्रयास किए जाने लगे, जिसमें हद तक सफलता भी मिली है। सतना केंद्रीय जेल कैदियों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाने में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। यही कारण है जेल में सिलाई कढ़ाई बुनाई के साथ कारपेंटर तक का काम सिखाया जाता है। क्षमता और उसके एजुकेशन के हिसाब से देखकर इसको कार आवंटन किया जाता है। बुनियादी शिक्षा से तालमेल बैठाते हुए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसीलिए सीखते हैं कि शायद बाहर जाके कुछ कर सके, इसी के विषय में कुछ जानकारी हो जाए, बाहर इसी में कुछ काम कर सके। सोचता हूँ ये सीख लूंगा तो थोड़ा बहुत ये काम आएगा, इसी की टाइप वगैरह लेटर वगैरह छापता रहे। वहीं कैदियों की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए जेल परिसर में ही एक कैंटीन भी चलाई जा रही है, जिसका संचालन जेल स्टाफ की देखरेख में कैदियों द्वारा ही किया जाता है, जहां पर कैदी कूपन के माध्यम से मनचाही चीज खरीद कर खा सकते हैं। इसी तरह व्यक्तित्व निखारने के लिए हेयर कटिंग सलून है। कैदियों को रचनात्मक
गुणात्मक सुधार लाने के लिए खेल और योग क्लास भी मौजूद है। आम दिनों में भी ये खिड़की कैदियों के दिलों में बिछड़े परिजनों से मिलाने की आस जगाती है, और जब मुलाकात का दिन हो तो ये वो सीमा बन जाती है जिसे पार कर सलाखों में बंद अपनों को छूकर देख लेने की ललक पर विराम सी बन जाती है खिड़की पर लगी ये जाली। तो यही जाली वो बाधा बन जाती है जब दूर से मिलने जेल पहुंचे किसी अपने को, जो समय के क्रूर मजाक के चलते कैदी बन चुका है, उसे ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। परिजनों के दिलों में भी टीस सी उभर कर रह जाती है। हमको ये तकलीफ हुई कि हम कैदी का जो है अच्छे ढंग से तो चेहरा ना देख पाए। कायदे से अब जैसे एक हम मिलना है, 10-10 आदमी से वहाँ 10 आदमी कचबच कर रहे हैं। आवाज़ कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं आती, ये भी नहीं समझ रहे कि वो हमारा गार्जियन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच समय समय पर कैदियों को पेशी पर न्यायालय भी ले जाया जाता है। राजनीतिक बंदी से जेल नियम के अनुसार तो तात्पर्य यह है कि यदि वर्तमान का कोई सांसद हो या विधायक हो, उसको जेल नियम के अनुसार स्पेशल क्लास देने का प्रावधान है। इसके अलावा कोई ऐसा जेल नियम के अनुसार या शासन के आदेश से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी राजनीतिक बंदी को उसको कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जो सभी बंदियों को सी क्लास का दर्जा दिया जाता है, उसी श्रेणी में उसको रखा जाता है। मातृशक्ति कलश को शिरोधार्य किए आगे बढ़ती हुई, मानो स्वयं जगत जननी आदि मां जगदम्बा नारी शक्ति के रूप में कलश यात्रा में शामिल हो रही हूं। माँ अंबिके महामाया प्रतिमा के रूप में भी विराजित हुई तो मानो माता महारानी का दरबार साक्षात प्रकट हो गया। लेकिन ये वो स्थान है जिसकी कल्पना शायद ही कोई कर सकता है, जहां इस तरह दुर्गा पूजा की पावन पुण्य सलिला की अविरल धारा का प्रवाह वास्तव में किसी स्वप्न से कम नहीं है। लेकिन सच तो यही है, ये वो स्थान है जहां हर तरह के अपराधों के आरोपी एक साथ नजरबंद रखे जाते हैं। घट स्थापना के समय महिला कैदियों ने अपनी अरदास पारंपरिक गीत गाकर मां जगदम्बा के सामने व्यक्त की। जी हाँ, ये है सतना केंद्रीय जेल परिसर, जो नवरात्रि के पावन अवसर पर बन गया है माता वैष्णो देवी का दरबार। हूबहू जम्मू की महारानी 52,000 फीट की ऊंचाई से उतरकर मध्य प्रदेश के सतना जेल परिसर में विराजमान हो रही है। माता महालक्ष्मी,
माता महासरस्वती और माता महाकाली, तीनों शक्तियों की जीवंतता महसूस होते ही नतमस्तक हो जाना स्वाभाविक है। एक जल स्रोत जो प्रकृति का जीव जगत के साथ स्नेह का सदियों पुराना नाता होने की गाथा सुनाता सा मालूम हो रहा है। इस कृत्रिम जल स्रोत में तैरते जीवित खूबसूरत बत्तख मानो वर्तमान हालात का बखान कर रहे हैं और हम सभी को सचेत कर रहे हैं। यदि हम प्रकृति के प्रति निश्चित अपनी जिम्मेदारी को लेकर अब भी गंभीर नहीं हुए तो जल के बिना कल की तस्वीर बेहद खतरनाक हो सकती है। तो वहीं इसी जल के बीच कालिया मर्दन भी इस बात का प्रतीक मालूम हो रहा है कि अहमियत जल की कल भी थी और कल भी रहेगी। खैर, प्रकृति के संदेशों को समझते बूझते यथार्थ में दर्शनार्थी तब आते हैं जब माता महारानी की सेवा में लगे तमाम सफेद वर्दीधारी सेवकों की सच्चाई पता चलती है। यूं तो ये सब कैदी का जीवन काट रहे हैं, लेकिन इस समय ये सिर्फ और सिर्फ कुछ हैं, तो बस देवी महारानी के सेवक। और इन अभूतपूर्व क्षणों को जीने का अवसर मिलने पर उस अपार शक्ति के साथ साथ जेल प्रबंधन का धन्यवाद भी कर रहे हैं और अपने भाग्य पर वारी वारी जा रहे हैं। सुना था कहीं दुआओं की तासीर का असर आज रूबरू देख भी लिया। दिल ने खामोशी से बस कुछ मांगा था, जबकि जुबां से कुछ बोला भी ना था। संगीत में स्टेज बना हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता रहा और माँ वैष्णो जी के सेवा में सभी लोग बंदी लोग जो रहे अच्छे भजन कीर्तन गाते बजाते रहे, बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो यहाँ 9 दिन ऐसा लगा कि एक जेल है ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत अच्छे बाहर स्थान में हूँ, जैसे कि कोई बहुत महान तीर्थ यात्रा कर रहे हूँ। 3 साथी थे, तीनों साथियों ने मिलकर पूरी मूर्तियाँ जितनी यहाँ रखी थी टावर के ऊपर, वो पूरी मूर्तियाँ हम लोगों ने बनवाई थी। गांव घर में बनाया करता था, उसके बाद पूरा प्रशिक्षण जो है तो यहीं माने जो हमारे साथी लोग थे उन सब ने मिल के अपनी अपनी भावनाओं को एकत्रित करके उसको पूरा निर्माण किया गया। और यहाँ से मैं संकल्पित होके जा रहा हूँ कि मैं किसी प्रकार दोबारा कोई अपराध नहीं करूँगा। अपराध तो करने के लिए कभी ज़िंदगी में सोचेंगे नहीं। कारीगर हूँ, जो दिव्य का स्थान था सेम मेरा हाथ का पूरा चबूतरा पूरी फोटो वगैरह मेरी बनाई हुई है, लेकिन हमको यहाँ का स्थान बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर भी बाहर के लोग आए हैं, उन लोगों ने कहा है कि भाई जेल का स्थान ऐसा अच्छा बना है कि शायद हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी बना, इतना बढ़िया बंदियों ने स्थान बनाया है। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी है पुराण मंज मस हो। धुएँ के प्रकोप से कालिक फैलती है, बुरा लगता है, लेकिन कोई तत्वज्ञानी अगर उसका अच्छा उपयोग करे तो स्याही बना करके लिख देता है, जिससे शिक्षा की प्राप्ति होती है। ऐसे कार्यक्रम होते ही रहना चाहिए, ऐसे प्रेरक जैसे यूके गांधी, अनिल सिंह परिहार आदि जो इन लोगों ने किया है उसका अच्छा उपयोग किया अपराधियों का। महीने भर तक प्रेरणा दी, रात रात भर जागे और इतना सुदर्शन यहाँ का प्रांगण बना दिया, जहाँ आने में लोग भयभीत होते हैं वहाँ आबाद रूप से आते रहे। हिंदू मुसलमान तो अपनी जगह माँ माँ होती सर, माँ के दरबार में हर कोई दिल लो जान से हर वो करने की कोशिश करता है कि हम अच्छा करने की कोशिश करें। नवरात्रि के आयोजन में 9 दिन चलने वाले कार्यक्रम में गीत संगीत जागरण गेड़ी नृत्य इत्यादि का आयोजन भी चलता रहा। बंदियों के द्वारा बनाई गई अनूठी कलाकृति थी
और यदि बंदियों को प्रताड़ित करके आप दबाव से जोर से कुछ काम करा सकते हो, पर दिल से कोई काम नहीं करता। मानवीय दृष्टिकोण, मानवाधिकार आयोग का रुख और आज की परिस्थितियां पूरी तरह से परिवर्तित हैं। वो जमाना गया जब दंड का स्वरूप एक्चुअली दंडात्मक था, आज स्वरूप बदल चुका है। करेक्शनल थ्योरी वर्क करती है, सुधारात्मक उद्देश्य लेके ये जेल चल रही हैं। मानवीयता के नाते जितने बंदियों ने काम किया है, ये श्रद्धा, लगन और उनके द्वारा, स्वयं के द्वारा मन में आई भावनाओं से इनने कार्य किया। कभी इनके साथ कोई ऐसा अमानवीय व्यवहार ना स्टाफ के द्वारा और ना एक दूसरे बंदी के द्वारा किया जाता। इस ऐतिहासिक समारोह की शुरुआत उस विचार के साथ हुई जिसमें परंपरा के अनुसार जेल में जन्माष्टमी समारोह संपन्न किया गया था। एक टीम इनकी बना दी जाए जो केवल मूर्ति बनाने का काम करेंगे, और बाकी की एक टीम रहे जो पूरी व्यवस्थाओं के लिए जहाँ जहाँ जो जो काम चल रहा है उनको सहयोग देने के लिए। इसके बाद बकायदा जेल अधीक्षक, जेलर, कल्याण अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों के साथ साथ कैदियों ने भी मिलकर सलाह मशवरा किया और इन सब के निर्णय को उच्च विभाग से अनुमति मिलने के बाद माँ वैष्णो देवी का दरबार सजाने में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उस कार्यक्रम को करने के बाद कुछ ऐसी प्रेरणा मिली, कुछ ऐसा चेंज दिखा मैं बंदियों की विचारधारा में, उनके व्यवहार में, उनकी कार्यशैली में, तो उससे लगा कि क्यों ना हम एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान करें और उस धार्मिक अनुष्ठान में हम सभी बंदियों को सहभागी बनाएं। प्रतिमा बनाने से लेकर सजाने सवारने तक सभी कुछ कैदियों के हाथों से ही किया गया। जेल परिसर के मध्य में बने जिस वॉच टावर का इस्तेमाल सुरक्षा इंतजामों पर कड़ी नजर रखने के लिए किया जाता है, इस टावर के ऊपर से ही जेल के चारों ओर पहरेदार नजर रखते हैं। इस पर लगी घंटी वक्त की हेरा फेरी हर घंटे में करती है और ये हर किसी को समझाने की कोशिश करती है कि वक्त से बड़ा कोई नहीं। जिसने भी वर्तमान को नहीं संभाला उसका भविष्य भी खतरे में जरूर पड़ता है। खैर, फिलहाल इस स्तंभ पर ही नव दुर्गा का दरबार सजाया गया है। स्तंभ के चारों ओर देवी के नौ रूप विराजित हैं और मध्य में बड़े मंच पर विराजित माता वैष्णवी, जिनकी भक्ति में डूबा पूरा जेल परिसर, जो इस समय किसी देवी धाम से कम नहीं है। पूरा जेल परिसर देवी भक्ति के समंदर में डूबा हुआ है। मंत्र, पंचोपचार से लेकर पारंपरिक जस, गीत, संगीत और नृत्य, सब कुछ देवी को मनाने के लिए ही किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जेल परिसर में एक मेला भी लगाया गया जिसमें बकायदा स्टॉल भी लगाए गए। सबसे खास बात ये कि इन स्टॉल्स के संचालक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि जेल के कैदी ही थे, जो बड़े ही व्यवसायिक तरीके से स्टॉल पर काम कर रहे थे। कैदियों के लिए जेल के अंदर इस तरह का मौका मिलना कल्पना से भी बाहर था, लेकिन जब ये मौका मिला तो हर कैदी के लिए प्रेरणास्पद रहा। अभी तो ऐसा अनुभव हो रहा कि जैसे अपन बाहर की दुनिया में ही घूम रहे हैं। अब जो बिजनेस में बाहर करता था वही करूँगा। अब होटल है मेरी, ढाबा है, आदमी बनवाता है, सामान वामान बेचता है, इससे जो फायदा होता है बंदियों के कल्याण में जाता है। बंदियों कल्याण की हर एक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, टीवी भी हर एक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं बंदियों कल्याण के लिए। जो हम लोगों को सजा पड़ी है उसमें कुछ छूट भी मिलेगी हम लोगों को इस प्रोग्राम में भाग लेने से। यहाँ सर कंप्यूटर सीखा हमने, कंटीन में काम करते हैं, कुछ हलवाई का काम सीखा। वैसे लग रहा है जैसे हम तो बाहर दुकान रखे हों। कोशिश तो कर रहे हैं कि और अच्छी आए। मैंने हमेशा ये पाया है कि जब भी जेल के अंदर किसी प्रकार के धार्मिक प्रवचन या आयोजन या
अभी जो नवरात्रि में जो कार्यक्रम हुए इनके आयोजन के बाद, इनके दौरान एवं इनके बाद कैदियों के अस्पताल में जो अटेंडेंस है वो बहुत कम हो जाती है। निसंदेह कि उनके स्वास्थ्य पे बहुत असर पड़ता है और ये भी पाया है कि यह असर काफ़ी दिनों तक इनके ऊपर रहता है। और मैंने दो महीने जो मरीज अस्पताल में आते हैं और बहुत से मरीज इसमें मानसिक रूप से परेशान होते हैं, इस प्रकार के मरीज इन प्रकार के आयोजन के बाद काफ़ी दिनों तक नहीं देखने को मिलते। इस मेले में आम जनता को भी शामिल किया गया जो सभी के लिए किसी बड़े रोमांच से कम नहीं था। हर उम्र, हर वर्ग का हर दर्शनार्थी जल्द से जल्द जेल परिसर में प्रवेश करने की चाहत में घंटों लाइन में खड़ा रहा। समाज की मुख्य धारा से भटक चुके लोग जिन्हें अपराधी माना गया वो किस तरह दोबारा जीवन धारा से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इस बात को अपनी आंखों से देखने का उतावलापन हर किसी में था। और जब आम जनों ने कैदियों को किसी आयोजन समिति के सफल कार्यकर्ता से लेकर एक दुकानदार, कलाकार और मेला प्रबंधक के रूप में देखा तो अचंभित हुए बिना नहीं रह सके और जेल प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। डेढ़ माह तक लगभग 150 से 200 कैदियों ने लगन से मेहनत से कार्य करके तैयार किया था और मैंने भी परिकल्पना नहीं की थी कि इतना माँ का आशीर्वाद इस जेल को, इस बंदियों को, इस हमारी संस्था को मिलेगा कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पब्लिक ने आके यहाँ 10 दिन में दर्शन किए। संतों की वेशभूषा में जाप कर रहे ये लोग भी कैदी ही हैं जो आदिशक्ति से जन कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। पहले से भी देवी और देवताओं को खूब मानता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, बाहर भी करता था और अभी यहाँ जो हाल में माहौल बना ये बहुत उत्तम और बड़ा उत्साहक बना। देवी के जो मंत्र हैं, जाप हैं, उच्चारण हैं, इनसे वातावरण, समाज का सब हित होता है, देश का कल्याण होता है और जहाँ जिस जगह पर हो उस जगह पवित्र हो जाती है और हम लोगों की मानसिकता बदल जाती है और हम लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल गई है। कैदियों की ये बदली बदली सी विचारधारा कोई एक दिन का नतीजा नहीं है बल्कि इस बदलाव की एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें शामिल है यहाँ की कैदियों के लिए तय नियम सूची, तय की गई दिनचर्या जिसमें छिपी है कैदियों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की रणनीति, कैदियों के दिमाग में उपजने वाले विचारों में शुद्धता लाने के प्रयास के संकल्प के साथ जेल के वातावरण को शुद्ध रखने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें सोने, उठने, जागने से लेकर खाने पीने तक नियम तय किए गए हैं। आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ी जेल सतना केंद्रीय जेल में बड़ी संख्या में विभिन्न अपराधों के आरोप में कैदी पहुंचते हैं जिनमें बड़ी संख्या विचाराधीन कैदियों की होती है। इनमें भी ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के होते हैं जिनके लिए मानवाधिकार आयोग हर तरह से सहयोग उपलब्ध करा रहा है। यहाँ पर हर मजहब के बंदी को सजा प्राप्त कर आते हैं, हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम धर्म के हैं, सिख के, ईसाई के, लेकिन जेल विभाग का और हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि ऐसे आयोजन करें सर्वधर्म संभाव की भावना लिए कि इनमें जो कुंठित मानसिकता है इससे बाहर होकर और समाज में जाएं जिससे उन्हें समाज स्थापित करें। इसी तारतम्य में हम लोग हर त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार और हिंदू के जो त्यौहार हैं, मुसलमानों के जो त्यौहार हैं, धार्मिक आयोजन करते हैं तो निश्चित ही जब वो धार्मिक अनुग्रह में जाते हैं वो तो उनमें सोच में परिवर्तन आता है।
जेल प्रबंधन भी कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के भरसक प्रयास में जुटा है, जिसमें वो हद तक सफल भी हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ से निकले कई कैदी जिंदगी के आसमान में उमंग और हौसलों की नई परवाज के साथ उड़ान भर रहे हैं। तो वहीं जेल प्रबंधन भी मुस्तैदी से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। जेल अधीक्षक की प्रेरणा और कैदियों के सहयोग से निर्मित माता का दरबार के दर्शन के पश्चात आपकी क्या अनुभूति रही? मैंने आज जो देखा यहाँ, मैं इससे आश्चर्यचकित हूँ। और मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या इस तरह से भी बनाया जा सकता है। जैसा जेल अधीक्षक श्री गांधी जी और उनकी तमाम टीम ने और कैदियों ने मिलकर के जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण किया, इससे तो लगता है कि साक्षात वैष्णो देवी का जो मंदिर है जम्मू में, वो यहाँ उतर करके चला आया, ऐसा मुझे लगा। और जो चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं, वो हूबहू सारी चीज़ें यहाँ मुझे देखने को मिली। मैं इस कारीगरी की अपनी तरफ से बहुत प्रशंसा करता हूँ और जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सांसद निधि से भी इस तरह की योजनाएं हैं जो कैदियों के कल्याण के लिए, उनके योजनाओं में पैसा दिया जा सकता है, कार्यक्रम चलाया जा सकता है। और यदि यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर उस पर पूरा सहयोग देने का काम मेरे तरफ से होगा। देश भर के सुधार ग्रहों के बंदी जेल में मिल रही तमाम सुविधाओं की बदौलत नए नए हुनर हासिल कर हौसलों की उड़ान भर रहे हैं और समाज में सकारात्मक वातावरण तैयार करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। ऐसी ही एक जेल है सतना केंद्रीय जेल, जहां पर समाज के बदलाव की नई इबारत बड़े ही इत्मीनान से लिखी जा रही है। इनको रिहा करो व्यास साहब, है ना, और रिहा करने के बाद बाकी लोगों को भी मैसेज करो कि सभी के लिए 15 दिन की माफी विशेष तौर से दी गई है। ठीक, चलिए, ठीक है, जाइए। इस तरह जेल अधीक्षक ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के चलते कैदियों की सजा में माफी देकर उनको रिहा कर दिया।